आदि पर्व अध्याय 46। हिडिंबा के साथ भीमसेन का विवाह, घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हे हिडिंबे, मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसीलिए जा तू भी अपनी भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है, तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, हे आर्य, आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती है, मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ, अब मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वरण किया है, मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार ना करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं मूढ़ भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ, मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी, आप जहां कहेंगे पहुंचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी, आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुंचा दूंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हे हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना, प्रतिदिन सूर्य अस्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो, भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडिंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित हो मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान सर्व अस्त्र विद और वीर हो गया। हे जन्मेजय, राक्षसियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडिंबा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे, उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका घटोत्कच नाम रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति
बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिंबा ने सोचा कि जब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसीलिए वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, हे बेटा, तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसीलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। हे जन्मेजय, देवराज इंद्र ने करण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। वे शंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाई रख ली और वृक्षों की शाल तथा मृग चरम पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माताओं को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे, उसी समय भगवान श्री वेद व्यास जी उनके पास आए। उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूँ। तुम इस विषादमयी परिस्थिति से दुखी मत होना, यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहाँ तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बात जो हो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठर बड़े धर्मात्मा हैं। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसूय, अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चीरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, एक महीने तक मेरी बाट जोहना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सब ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की, फिर वे चले गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 47, आर्त, ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। वैशंपायन जी बोले, युधिष्ठर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर
दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए थे। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण कर्दन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। यह सब सुनकर कुंती का सौहार्द पूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, हे बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्राय यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ ना कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो ऋण हो जाए। भीमसेन ने कहा, हे माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगा लाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूँगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का ना तो कोई उपाय दिखता है और ना मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती साध्वी और मेरी हितेशणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामिन, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्यंभावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए। मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह सब पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे हे प्राणेश्वर, मेरे हे जीवन सर्वसव, मैं कैसे रहूंगी और इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर। मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चे को सद्गुणी बनाना
मुझसे कैसे हो सकेगा। आपके वियोग में मैं ना रहूंगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोक वासनी हो जाए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ वह आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करें तथा पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्म कल्याण संपादन करें। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे ना मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेह ग्रस्त, इसीलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। अब मुझे करना ही क्या है। अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरने में भला दुख ही क्या है। मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान अधर्म है। यह सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं। देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, इसीलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते। लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते। आपके परलोकवासी हो जाने पर मेरा यह प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी, इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए ना रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी से कहने लगा, हे पिताजी, हे पिताजी, हे बहन, मत रोइए। प्रत्येक के पास जा जाकर वह यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी। कुंती यह सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, हे ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, हे तपस्वनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है।
प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वेत्र किया ग्रह नामक स्थान में रहता है। वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है, मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं, और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय ना देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ना डरें और ना शोक करें, उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है, आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती है। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मबद्ध और ब्राह्मणबद्ध के विकल्प में मुझे तो आत्मबद्ध ही शरण कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रयाश्चित नहीं, अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं, दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं यह श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक न जाने कितने बलवान और विशाल काया राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को ना दें, क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए मेरे पुत्र को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, हे माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठर ने कहा, हे माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, हे बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे उऋण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है
कि वह कभी उपकारी के उपकार को ना भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है, पैदा होते ही वह मेरी गोद से गिरा था, उसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, हे माता, आपने जो कुछ समझ बूझ कर किया है वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से यह अवश्य कह देना चाहिए कि नगरवासियों को यह बात मालूम ना होने पावे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 48 वकासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर वकासुर के वन में गए और वहां उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशाल काय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा था, देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे थे। वह क्रोध से आग बबूला हो आंखें फाड़ कर बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या यह यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े, उसकी कुछ भी परवाह ना करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से दो घूंसे कस कर जमाए, फिर भी वे खाते ही गए। अब वकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़ कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पी कर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डट कर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी, घमासान लड़ाई हुई, वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा, वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटक कर घुटनों से रगड़ने लगे, उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। वकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ठाठस बंधवाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को ना सताना, यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन वकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। वकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं
कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात की बात में यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, उसे देखने के लिए आए। सबने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे, अवश्य ही यह उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्म उत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह आनंद उत्सव देखते हुए वही सुख से निवास करने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 49, द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म कथा। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवन, वकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, वकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांचों पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लग रहे थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाही। इस पर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य जी ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य जी से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य जी के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ ना हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा सनातक ना हो। उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुशुषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। मैं आपको एक अर्वुद अर्थात 10 करोड़ गायें दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी एक वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, हे राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे।
उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने याज की सेवा शुशुषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको एक अर्बुद गऊ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था, सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष बाण और खड़ंग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्नि कुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पंचालवासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी बेदी से कुमारी पंचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती और टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दिवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, यह रमणी रतन कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पंचालवासी सिंहों के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी कि ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी माँ ना जाने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एवमस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट अर्थात ढीठ और असहिष्णु है। बल रूप धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की धुत्ती से हुई है, इसीलिए इसका नाम होगा धृष्टद्युमन। और यह कुमारी कृष्ण वरण की है, इसीलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युमन को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 50, व्यास जी का आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि हे बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके, चलो ना, तुम्हारी इच्छा हो तो पंचाल देश में चलें। युधिष्ठर ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है।
सबने स्वीकृति दे दी, प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्ण देवपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म सदाचार शास्त्रज्ञा पालन पूज्य पूजा ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थ नीति का उपदेश किया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंग अनुसार कहने लगे, हे पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती गुणवती और सदाचारणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर जी संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर जी के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान जी ने कहा कि तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। हे पांडवों, वही देव रूपिणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पंचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होगे। इस प्रकार कहकर व्यास जी ने प्रस्थान किया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 51 पांडवों की पंचाल यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्ररथ गंधर्व की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भगवान व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पंचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोम आश्रणय तीर्थ पर पहुँचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्व राज अंगार परण अर्थात चित्ररथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगों के पैरों की धधक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला, अजी, दिन के अंत में जब लालिमा मई संध्या होती है, उसके बाद 80 लव अर्थात 40 निमेश के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है। दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए है ही। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मैं गंधर्व राज अंगार परण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा और पूरे पूरे आत्म सम्मान का पक्षपाती हूँ। मेरे ही नाम से यह वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे
कहीं भी मौज से विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे हे मूर्ख, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित है? भूखे नंगे, अमीर गरीब, सभी के लिए रात दिन गंगा माई का द्वार खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं। यदि मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है, तो भी हम शक्ति संपन्न हैं, बिना समय के भी तुम्हें पीस सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सब के लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो, वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श न करें? यह नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे हे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह अग्नि अस्त्र बृहस्पति ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अग्निवेश्य को, अग्निवेश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी को, और उन्होंने मुझे दिया है। ले, संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने अग्नि अस्त्र छोड़ा। चित्ररथ रथ जल जाने के कारण दग्ध रथ हो गया। वह अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन ने झपट कर उसके केश पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। गंधर्व पत्नी कुंभी नसी अपने पति देव की रक्षा के लिए युधिष्ठर की शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठर ने आज्ञा दे दी कि हे अर्जुन, इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, हे गंधर्व, शोक ना करो, जाओ, तुम्हारी जान बच गई। कुरुराज युधिष्ठर तुम्हें अभय दान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसीलिए अपना अंगार परण नाम छोड़े देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्ध रथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसीलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को, और विश्वावसु जी ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे, वह इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100-100 घोड़े देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहाँ चले जाते, और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व राज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मैं लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, जब सत्य पुरुष इकट्ठे होते हैं,
तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवश यह भेंट करता हूँ, आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिए। अर्जुन ने कहा, हे मित्र, यह बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत हो, तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व ने कहा, ना आप लोग अग्निहोत्री हैं और ना प्रतिदिन समार्थ हवन ही करते हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है, नारद आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य पिता और गुरुजनों से भी परिचित हूँ। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं, आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर रहती है। हे तप्ति नंदन, मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करने के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। हे तप्ति नंदन, बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसीलिए आप यह निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चीरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 52, सूर्यपुत्री तपती के साथ राजा संवरण का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, गंधर्व के मुख से तपती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व राज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तपती नंदन क्यों कहा? यह तपती कौन थी जिसके कारण हमें तपती नंदन कह रहे हो? गंधर्व राज ने कहा, हे अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तपती, वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तपती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य जी उसका विवाह करें। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। उन्हीं दिनों पुरु वंश में राजा ऋषक के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य जी के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्य उदय के समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते, नियम उपवास तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है,
संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए। वे सब कुछ भूल गए, हिल डुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा जी ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मथकर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई ना होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और ललायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ ना बोली। बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर्धान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेष्ट हो गए। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तपती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी से बोली, हे राजन, उठिए उठिए। आप जैसे सत्य पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली बोली सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, हे राजन, मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए, इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन भक्त वत्सल और विश्व विशुद्ध राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य जी की कन्या और विश्व वंध्या सावित्री की छोटी बहन हूँ। यह कहकर तपती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वही मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री अनुयायी और सैनिका पहुँचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य जी की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि जी आए। उन्होंने राजा संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य जी से मिलने के लिए चल पड़े। सूर्य जी के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रणाम पूर्वक कहा, हे भगवन, मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्जवल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति है। भगवान सूर्य जी ने
तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। वशिष्ठ जी के साथ तप्ती को आते देखकर संवरण अपनी प्रसन्नता का संवरण ना कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य जी की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ जी की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। राजकाज मंत्री पर रहा, इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक ना पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तपती संवरण को राजधानी में ले आए। इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे, पैदावार शुरू हो गई। राज दंपति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। गंधर्व राज कहते हैं, हे अर्जुन, यही सूर्य कन्या तपती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तपती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला। उन्हीं के संबंध से मैंने आपको तपती नंदन कहा है। भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 53, ब्रह्म तेज की महिमा और विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी की नंदनी के साथ संघर्ष। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, गंधर्व राज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ जी की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, हे गंधर्व राज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्र जी के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र जी ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था और वशिष्ठ जी में बदला लेने की पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किए थे। आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मणों को पुरोहित बनाइए। अर्जुन ने पूछा, हे गंधर्व राज, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण है? गंधर्व ने कहा, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विशुद्ध है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज देश में गांधी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे राज ऋषि कुशिक के पुत्र थे, उन्हीं से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र जी अपने मंत्री के साथ मरुधन्व देश में शिकार खेलते खेलते थक कर वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक
उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी काम धेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझसे एक अरबुंद गऊ या मेरा राज्य ही ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, मैंने यह दुधार गाय देवता अतिथि पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है, आपके राज्य के बदले में भी यह देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण, आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं, आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे? आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा, कदापि ना छोड़ूंगा। वशिष्ठ जी बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे तुरंत कर सकते हैं, फिर सोच विचार क्या है? जब विश्वामित्र जी बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे, तब वह डकारती हुई वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारा करदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र जी तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं, मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, लाचारी है। नंदिनी बोली, हे भगवन, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं, मैं अनाथ की तरह डकारा रही हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ जी उसका करुण करदन सुनकर भी ना शुद्ध हुए और ना धैर्य से विचलित, वे बोले, क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा, मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है, तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, हे कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, यदि तुझ में शक्ति है तो रह जा, देख तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई, वह वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की, तब वह सूर्य जी के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक एक अंग से पहव, द्रविड़, शक, यवन, शवर, पोड्र, किरात, चीन, हूण, सिहली, वरवर, खस, यूनानी और मलेच प्रकट हो गए, तथा हथियार उठाकर विश्वकर्मा जी के एक एक सैनिक पर पांच पांच सात सात करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो यह था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र जी के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र जी यह ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी गलानी हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा संसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोकों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व
अध्याय 54 महर्षि वशिष्ठ जी की क्षमा कल्माषपाद की कथा। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, हे अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माषपाद नाम का एक राजा हो गया है। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मंदा और भूखा प्यासा तो था ही, उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि जी वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, हे महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई, ना ऋषि हटे और ना राजा। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि जी ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि अरे हे नरपधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसीलिए जा राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसीलिए लो मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद कल्माषपाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ जी के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ जी के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कल्माष का राक्षसपना तो कारण था ही। इसके सिवा विश्वामित्र जी ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कल्माषपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुई, उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र जी की प्रेरणा है। फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उससे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर लौट रहे थे, इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई षडंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ जी ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। आवाज आई कि मैं आपकी पुत्र वधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से साग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है। अदृश्यंती ने कहा, आपका पुत्र मेरे गर्भ में है, वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदा अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कल्माषपाद से उनकी भेंट हो गई। कल्माषपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से अविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, हे भगवन, देखिए देखिए, यह हाथ में सूखा कांठ लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी डरो मत, यह राक्षस नहीं कल्माषपाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ जी ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कल्माषपाद के ऊपर डाला।
वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह शाप से छूटा, उसका तेज बढ़ गया। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी से कहने लगा, हे महाराज, मैं सुदास का पुत्र कल्माषपाद आपका यजमान हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, यह सब बात तो हे भैया समय समय की है, सब जाओ तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूँगा, उनका प्रेम से सत्कार करूँगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ जी इसी पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ जी के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ जी ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि जी को ही अपना पिता समझते थे और हे पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ जी के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, हे पराशर, क्षमा ही परम धर्म है, तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है, तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञ अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 55 पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, गंधर्व राज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंग वश महर्षि वशिष्ठ जी की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे गंधर्व राज, तुम तो सब कुछ जानते हो, यह बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा। गंधर्व ने कहा, हे अर्जुन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धूम में तपस्या कर रहे हैं, आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना ले। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्व राज को विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, हे गंधर्व रतन, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे ही पास रहे, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने क
कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसे मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सनात हो गए। धौम्य मुनि जी को भी ऐसा दिखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता शक्ति और उत्साह के फल स्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी। मंगलचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 56 द्रौपदी स्वयंवर। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब नर रतन पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश, उनकी पुत्री द्रौपदी और उनके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठर ने उत्तर दिया, पूजनीय है ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पंचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहाँ स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहीं चल रहे हैं, आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव्यास जी के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभ्यमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चार दीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल दिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में एक बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था, उसी के ऊपर बैंधने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रतन इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंद नवारें लटक रही थी। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव
देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और हे राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। यह धनुष है, ये वाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 वाणों के द्वारा लक्ष्य वेध कर दें। जो बलवान रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह महान कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देख कर कहा, हे बहन, देखो धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन दुर्विहर्ष दुर्मुख दुष्परधर्षण विभिषति विकर्ण दुशासन युजुस्सु आदि वीरवर करण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति जिनमें शकुनी वृषक बृहद बल आदि प्रधान हैं, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। अश्वत्थामा भोज मणिमान सहदेव जयत सैन राजा विराट सुशर्मा चेकितान पौंड्रक वासुदेव भगदत्त शल्य शिशुपाल जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को बेध दे उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र आदित्य वसु अश्वनी कुमार साध्य मरुदगण यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य गरुड़ नाग देव ऋषि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी भगवान कृष्ण जी प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महाअनुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन शाल्व शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल शिक्षा गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को बेंध देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया।
मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी, जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेध न कर सके। सारा समाज सहम गया। लक्ष्य पर निशाना लगाने की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य को निशाना करूं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 57, अर्जुन का लक्ष्य पर निशाना और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हंसी न करा दे, कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे। कोई कोई कहने लगा कि यह उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति ना होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चय ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम जी ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त्य जी ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्य वेद कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेकों बातें हो रही थी, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर जी और श्री कृष्ण जी को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रोदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात ही बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही राजा द्रुपद, हम लोगों को तिनके की ही तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह ना करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है।
क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे यह अपनी पुत्री के योग्य समझे। स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का प्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए, वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृग चरम और कमंडलु हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते रहिए, इन दोनों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मंदोमत, करण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और करण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच खींच कर मारे कि करण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। करण ने कहा, अजी, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा ना रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, हे करण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ, मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्म अस्त्र और इंद्र अस्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जम कर खड़ा हूँ, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी करण ब्रह्म अस्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय करण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दाव करके घूसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे। दो घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और करण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं, इसीलिए
उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसीलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर ना लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेहमयी हृदय का यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर आए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।